जेड़ा नशा नशा तेरी अखा विचो आवे मैनू मैं वेखे बड़ा नायो लखा विचो आवे मैनू दिल दे नेड़े होए तू मेरे दिल वस जाए तेनू क्या बात है सिंगिंग एक्टिंग <laughs> वो ऐसी क्या चीज है जो आप अब जिसके लिए आप ज्यादा पैशनेट मैंने ये नोटिस किया है द पास्ट फ्यू इयर्स कि मैं बिना सिनेमा देखे जी सकता हूँ लेकिन बिना म्यूजिक के नहीं रह सकता आई थिंक वो uh, वो थोड़ी लंबी लाइन लाइन है है छोटी सी कि लड़ना मेरा काम है, शौक नहीं। एक्टर आप SRK को कैसे देखते हैं मतलब वो कितनी बड़ी, uh, मतलब आपके लिए जो है?

हमेशा अपने ऑफ बीट फिल्म के लिए जाने जाते हैं आपकी प्रायोरिटीज़ हमेशा स्क्रिप्ट रही है तो इस फिल्म की वो क्या खासियत थी कि आपने इसे साइन किया I'm really curious to know. इस फिल्म की एक खासियत थी कि इसमें भी कहानी बहुत अलग थी अच्छा बस खासियत ये भी थी कि पैंडमिक के बाद पहली ये फिल्म है जो मैंने जिसको चूज़ किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वो थिएट्रिकल फिल्म के एलिमेंट्स हैं वो थ्रिल है वो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ें हैं कॉमेडी भी है सटायर भी है जो आपको थिएटर में देख के मजा आएगा सर okay. आपके कई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हमने देखी है ओटीटी पे मूवीज में तो आपका वो क्या क्राइटेरिया है जब आप किसी फिल्म को या किसी सीरीज को साइन करते हैं आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहानी, कहानी? क्योंकि अगर वो कहानी आपके साथ सुनने के बाद रहती नहीं है ना एक दो दिन तो फिर वो मजा नहीं है अगर वो है आपके साथ तो फिर उसको करने में मजा आएगा ये ये 100 एक गट फीलिंग आती मतलब जो स्टोरी है। है है मतलब स्टोरी वो बिल्कुल वाइटल और बाकी उसमें क्या कौन आर्टिस्ट है या कौन डायरेक्टर है, है, है। वो बात की बात। वो बात।, है। की बात है। तो बॉलीवुड अक्सर एक्शन फिल्म्स बनाता आया है कई समय से तो क्या ऐसा एक सुपरस्टार है वो एक एक्शन फिल्म तो बनाएगा ही बनाएगा ऐसा कुछ है क्या इस बात ऐसा ज़रूरी नहीं है आ, मुझे लगता है शाहरुख सर जो है वो रोमांटिक हीरो की तरह रहे हैं राजेश खन्ना साहब रोमांटिक हीरो की तरह सुपरस्टार रहे हैं तो आपका जो जिस तरह से आप कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस से और जिस रूप में आपको वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं आप उसमें सुपरस्टार बन सकते हैं बात कहानी की है जैसे इन्होंने बोला है कहानी की है आपके कैरेक्टर कही की कहीं ना कहीं एक्शन जो है मतलब जब हम बात एस के की, की भी करते हैं तो एक्शन भी उसका एक एलिमेंट पार्ट बन जाता है मतलब अपार्ट फ्रॉम ही बीइंग अ रोमांटिक एक्टर बट uh, हाँ वो है that, that, that course, there, I mean, उन्होंने एक्शन तो, हाँ ऑफकोर्स एक्शन उसका पार्ट बनता है बट ही वॉज ऑलवेज नोन एज अ रोमांटिक हीरो So, हर एक का एक का अपना जोन होता है। uh, of course, after, in fact, काफी लोग बाद में एक्शन करते हैं पहले एक्शन करते हैं फॉर एग्जाम्पल अक्षय सर ने एज एन एक्शन हीरो स्टार्ट किया था yeah. बाद में ही फिल्म सो yeah. so, वो आपको शिफ्ट करते रहना पड़ेगा बट वो जो मेन जो आपका जो कोर, कोर है, है हाँ. वो हर एक का अलग होता है बिल्कुल बिल्कुल अब एस आर के निकल गई तो रिसेंटली जो है मन्नत वाला एक सिलसिला सामने आया तो As an actor, आप एस आर के को कैसे देखते हैं मतलब वो कितनी बड़ी uh, मतलब आपके लिए जो है हीज़ अंस्परेशन फॉर एवरी वन कमिंग फ्राम डेली रैंक आउटसाइडर एंड रेलीवेल एंड रूलिंग बॉलीवुड सो सबके लिए इंस्परेशन है उन लोगों के लिए इंस्परेशन है हमारी जनरेशन के लिए और अभी भी है एंड uh, वहाँ मन्नत पे जाकर मन्नत मांगी थी अपनी फिल्म के लिए ना एक्शन हीरो के लिए कि वो चले और मैं ही नहीं जयदीप पाजी भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं हम दोनों बहुत बड़े फैन हैं शाहरुख खान आप अगर एस आर के बारे में अगर कुछ बताना uh, मैंने उनके साथ एक बहुत छोटा सा सौभाग्य था कि तो, काम किया है और चाहूँगा कि कोई बहुत अच्छा काम हो उनके साथ अच्छा बड़ा रईस में मैंने उनके साथ दो तीन दिन काम किया था इट वॉज इट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद यू कॉन्ट डिस्क्राइब जेनुअनली इफ यू मीट हिम इट

बेस्ट मज़ा तभी आता है कि अगर आप दोस्ती हो सेट पर और आपकी केमिस्ट्री हो को एक्टर के साथ और आप उसको ऑन स्क्रीन इम्प्रोवाइजेशन ईजी होती है एक्शन रिएक्शन ईजी हो जाता है उसमें एंड वर्किंग इज़ फन बेसिकली आपका एक्टिंग एक पैशन है एंड इफ़ यू गेट लॉन्ग विद द को एक्टर नथिंग लाइक इट तो उन मुझे लगता नहीं उनकी कोई ऐसी एस्पिरेशन uh, रही होगी कि हमें हम में नफरत पैदा हो <laughs> <laughs> नहीं नहीं ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था ये कि ये दोनों को मैं स्क्रीन पे एक दूसरे से नफरत करते हुए दिखाऊं ही सेड दैट सो आई माय यू टेल मी हां ऑफ कोर्स अगर अगर लेकिन आपको फिल्म देखकर लगेगा नहीं कि दोस्ती है हमारी बिल्कुल भी नहीं लगेगा नोबडी इज डाउटिंग दैट और आयुष्मान अब वर्सटाइल आर्टिस्ट है आप मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है तो अब सिंगिंग एक्टिंग वो ऐसी क्या चीज है जो आप, आप जिसके लिए ज़्यादा पैशनेट है मैंने ये नोटिस किया है इन द पास्ट फ्यू इयर्स कि मैं बिना सिनेमा देखे जी सकता हूँ लेकिन बिना म्यूजिक के नहीं रह सकता सो इट्स द फॉर दाई क्रिएटिविटी और इट कीप्स मी गोइंग कभी कभी वक्त नहीं मिलता है uh, काफी चीज़ें देखने का बिकॉज यू आर शूटिंग थ्री फिल्म या What uh, What about you, sir? Like apart from acting, क्या है जिसके लिए जो है या artistic corner बाहर निकल के आता है? I think पढ़े रहना। <laughs> <laughs> मुझे बहुत पसंद है मतलब अच्छा। बस पढ़े हो आप hmm. अपने अपने जोन में अपने सुकून में किताबें हैं आसपास hmm. hmm. और आपकी फैमिली है इधर उधर सब खुश दिख रहे हैं hmm. और बस आप पढ़े हो दृष्टा बने हुए मुझे बहुत पसंद काफी दीप है ये <laughs> <laughs> सवाल मेरा आप दोनों से है कि कुछ समय से हमने देखा है कि सिनेमा बदल रहा है चीजें बदल रही हैं लोग अलग अलग कंटेंट को पसंद कर रहे हैं वो जो सेम स्टीरियो चला आ रहा है वो लोगों को अब ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है देर इज अ टर्म ऑल्सोल कैरेक्टर आर्टिस्ट है ना अपार्ट फ्रॉम सींग बींग हीरो दे आर ऑल्सो बींग फॉन्ड ऑफ यू नो अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इनिशियली एंड नाउ दे आर सुपर लाइक पंकज जी नसरुद्दीन जी एंड ऑफकोर्स हिम तो जब ऐसे आर्टिस्ट के साथ एक एक्टर काम करता है एक लीड एक्टर काम करता है तो वो जो ट्यूनिंग है वो कैसी होती है मैं ये वर्ड कैरेक्टर आर्टिस्ट पे बिलीव ही नहीं करता हूँ yeah, right. ही इज अ पैरल लीड ऑफ द फिल्म या जितना मैं हूँ उतने ये है फिल्म के अंदर आई 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 अग्री एंड मैंने काफी फिल्में ऐसी की जहाँ पर सभी एक्टर फिल्म के हीरो हैं हम्म hmm. बधाई हो मैं जैसे मुझे लगता है दादी का रोल जो किया है hmm. वो हीरो है फिल्म के गजराज राव नीना गुप्ता तो मैं किसी भी एक्टर को ऐसे कैरेक्टर नहीं देखता एक्टर एक्टर है और बीइंग फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड exactly. तो आदत पड़ चुकी है आपको कि हर एक का मंच पर छा जाना बहुत जरूरी है उस उस नाटक को हिट होने के लिए वही हमारी फिल्मों में है जितना आपका सह कलाकार जो एक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा वो फिल्म को आगे लेके जाएगा और यही आई थिंक यही एटीट्यूड के साथ हर एक को काम करना चाहिए हम्म नहीं मतलब मैं मैं तो बस... ये बनाया हुआ शब्द है जी। उन लोगों के द्वारा जिन पर थो... ये अभी मैं पॉजिटिव सेंस में कह रही हूं ये जितने भी लोग दे आर यूजिंग दिस वर्ड इन सेंस एक सेंस की बात ये कि कैरेक्टर एक्टर का मतलब क्या होता है क्या है मतलब क्या लीड मतलब? एक्टर जो होता है उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता फिल्म में है तो वो भी ना यस ये ये कॉन्सेप्ट ही ये वर्ड ही लॉजिकल है ये okay. वर्ड yeah. है ये hmm. इसका कोई लेना ही देना है नहीं है किसी बात से एक्टर्स hmm. को एक्टर्स हो सकते हैं hmm. yeah. एक oh. है oh. oh. लीड एक्टर एक को एक्टर मान लिया कि कहानी का एक नायक है oh. समझ में आता है oh. Oh. पर बाकी कैरेक्टर एक्टर्स नहीं है एक्टर्स है बाकी सब oh. oh. जब आप लीड नेगेटिव बोलते हो तो oh. उसको आप लीड क्यों नहीं मानते हो फिर oh. hmm. 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 right. so, ये, ये हमारे बनाए हुए शब्द

पहली बार एक्शन किया है और आसान नहीं है करना <laughs> और sure. बहुत ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमने जनवरी में शूट किया था इंग्लैंड hmm. में डिग्रीज़ hmm. में hmm. बहुत ठंडी हवा चलती थी और हम ये तो कुर्ते पजामे में थे <laughs> मैंने फिर भी एक पतली सी जैकेट पहन रखी थी पर पतली जैकेट थी और पूरी फिल्म वही पहनी हुई है मैंने मेरे लिए नया है hmm. इंडस्ट्री के लिए नया होगा क्योंकि ऐसी फिल्म शायद नहीं बनी है अभी तक क्या बात जो मतलब दो सोच दो पर्सपेक्टिव्स को दिखाए hmm. वो पर्सपेक्टिव एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव फिल्म इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव मीडिया hmm. का पर्सपेक्टिव और जो ये चल रहा है आजकल hmm. उसको दर्शाया गया है इट्स अ वेरी वेरी फ्रेश टेक तो यू बोथ बीइंग द सुपरस्टार्स तो कहीं ना कहीं क्या वो रिलेटेबल था अभी तक तो आई थिंक आई एम आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं आई जिंदगी में कि मैं रिलेटेबल उसे बना सकूं <laughs> और ना ही आए तो अच्छा है हाँ uh, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स ये मानव जो सुपर स्टार कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ गेट्स इन टू ट्रबल और मीडिया ट्रायल होता है एंड भूरा सोलंकी नेता और अभिनेता का क्लैश है ये पहलवान है मैं एक्शन हीरो हूँ हीरो हूँ पर क्या सच में जो जिंदगी है वो काफी डिफिकल्ट होती है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा उसको मैनेज करना या ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक अगर आप बनाना चाहो उसको मुश्किल तो बना सकते हो नहीं तो उतनी आसान है जितनी आपके ऊपर डिपेंड करता है साहब शाहरुख खान <laughs> आपकी चीज़ हाथ से चीजें निकल चुकी हैं आप अब आपको कोई अब आप आपको वो उस जैसे खान साहब ने एक बार बोला था कि आई वर्क फॉर शाहरुख खान नाउ दिस लाइन इज अमेजिंग he he even he works for the image Shahrukh Khan. Absolutely yes, I agree. अगर आप एक कोई डायलॉग इस फिल्म का या

आप वॉइस नोट भेज दे प्लीज डायलॉग बोल गए आपको कुछ याद नहीं आ रहा अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा बता। किसी का भी कुछ भी एक तो फिर मैं ये साइड देखकर मैं आयुष्मान से कह देती कि दो लाइन अगर वो कुछ सुना देते हां ये, तो ये सब जाते हैं ये सब जाते हैं मैं बाद में वॉइस नोट में ले लूंगी कभी है ना आप दो लाइन सुना दीजिएगा जेड़ा नशा नशा तेरे अखां विच आवे मेनू मैं देखया बड़ा नायो लखा विचो आवे मेनू दिल दे नेड़े होए तू मेरे दिल बस जाए तनु क्या बात है थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू टीवी9 भारतवर्ष एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म एंड आई एम एनीवे गोइंग लाइक आई एम थैंक यू थैंक यू टू वॉच यू बोथ अमेजिंग